प्राइम में नई सिनेमा आई है, जानती हो, विद्या बालन की। अच्छा, अरे ये देखो। आ, आ, ये क्या हुआ? फू चक्कर आ गया, आंखों के सामने अंधेरा सा। तेरी आंखों के साथ तेरा चेहरा भी फीका पड़ गया है, कहीं एनीमिया तो नहीं हुआ? हाँ? लगता है खून कम हो गया है, इस समय ऐसा होता है। क्या ब्लड टेस्ट नहीं हुआ? पिछले महीने ही हुआ था। दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। बहुत कमजोरी है क्या? पैर के तलवे देखूं? गर्भ अवस्था में कमजोरी हो, सिर चकराए, दिल धक धक करे, आंखों के आगे अंधेरा छा जाए, हाथ और पैर फूल जाए, तो ये एनीमिया हो सकता है। तो अब क्या होगा? डरने से होगा, आयरन की गोली तो ले रही हो। वो तो इसी महीने से शुरू हुआ है। हाँ, चौथे महीने से बच्चे के जन्म होने तक हर दिन एक गोली करके कम से कम 180 गोली, और बच्चे होने के बाद नियम से 180 गोली खानी होगी। लैटरिन पतला या कड़ा हो सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। ज्यादा ज्यादा साग सब्जी खानी होगी, अधिक पानी पीना होगा, आयरन गोली खाने से शरीर को अच्छा महसूस होगा। तुम नंगे पाँव क्यों रहती हो? पैर के नीचे से कृमि अंदर जा सकता है। स्वास्थ्य केंद्र ने कृमि की गोली नहीं दी? वो तो चौथे महीने में ही खा ली थी। तब तो ठीक है, और स्वास्थ्य केंद्र की दीदी की बात मान कर चलना होगा। जैसे कि हाथों के नाखून छोटे रखना, खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से अच्छे से हाथ धोना, कच्ची साग सब्जियों को भी पकाने से पहले अच्छे से पानी से धोना। नियम मान कर चलने से एनीमिया ठीक हो जाता है, इससे माँ भी ठीक रहती है और माँ के पेट में बच्चा भी अच्छा रहता है, जन्म के बाद और बीमार नहीं पड़ता, समझी?